hello everyone good morning this is Mahesh Shah welcome to my youtube channel this video is for standard 10 social science chapter 3 cultural heritage of india sculpture and architecture part 2. in last video uh, we discussed about the ancient town planning of our country uh, in that we discussed about uh, mohenjo-daro Harappa, Dhulavira, and Lothal, as well as we understood the definition of uh, sculpture and the architecture. Now, in this video, we are going to discuss about the Moria art. This is one of the important time period of our Indian culture, uh, which formed the United India in ancient time. Uh, before we start discussion, uh, I would like to request टू यू दैट लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल आइकन दैट यू फाइन न्यू नोटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर तो लास्ट वीडियो में जो हमने हमारे एंशियन सिविलाइजेशन की बात की थी जो हमारे टाउन्स थे वो कैसे थे दैट वॉज रियली फेंटास्टिक वर्क डन बाय अवर एनसेकटर इट इट वॉज द टर्मिडियस कंट्रीब्यूशन in the field of architecture now we are going to talk about the morya art so first we start with the stupa so what is called stupa so an oval shaped construction this in here you can see the picture of stupa and this was the asok chakra which we are using as a national emblem on our currency

जो बॉडी रिमेंस थे उसको एक बॉक्स में बंद करके रखा गया था सो देर आर फाइव फेमस टूपाज ऑफ किंग अशोक टाइम फर्स्ट इज तूफा ऑफ सांची सेकेंड इज तोपा ऑफ़ सारनाथ थर्ड इज तोपा ऑफ़ बैरट और फोर्थ इज तोपा ऑफ़ नंदगढ़ एंड फिफ्थ इज तोा ऑफ देवनी मोरी इन गुजरात बिसाइज चैटियज़ विहारास एंड मठ्स वेर कंस्ट्रक्टेड तो ये चैटियज विहारास और मठ्स जो कंस्ट्रक्ट होते थे तो वो टाइम पे जो भी सेंट्स जो ट्रैवल करते थे उनके रेस्ट के लिए ये कंस्ट्रक्शन होता था जो पर्टिकुलर टाइम में जो रूलर होते थे जो किंग्स होते थे वो ये कंस्ट्रक्शन करवाते थे क्योंकि ट्रैवलिंग में उनका कोई खुद का तो घर होता नहीं था इसलिए वो हर जगह पे ट्रैवल करते थे लोगों को उपदेश देते थे तो उनके लिए ऐसे कंस्ट्रक्शन होते थे जहाँ पे वो रेस्ट कर सके द पीरियड ऑफ किंग अशोक वाज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्परिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर क्योंकि अशोक ने जब अपना सब ये वॉर और ये सब छोड़ दिया तब उसने बुद्धिस्ट रिलीजियंस रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए ट्रैवलिंग किया था एंड दैट इज़ वाई चंड अशोक बी संत अशोक जो अशोक का जो नेचर था यानी एकदम वॉरियर टाइप का एकदम क्रूअल पर्सन था उसको लाइफ में ऐसी सीख मिली ऐसी ऐसी उसके साथ इंसिडेंट्स हुआ कि वो पूरा उसका बिहेवियर एटीट्यूड सब चेंज हो गया और जो अशोक एक वॉर में हजारों लोगों को मार देता था उसी अशोक ने ऐसे ऐसे मैसेज भेजे ऐसे ऐसे मैसेज स्टोन के ऊपर लिखवा है कि उसको आज के दिन, आज के डेट में भी सब लोग फॉलो करते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन हैज़ गिफ्टेड केव्स विहारस, चैत्यस एंड टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर तो यहाँ से ही ये आर्किटेक्चर वैसे अशोक जब किंग था तभी भी उन्होंने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क किया था पर आफ्टर बीकेम सेंट और सन्यासी और ही स्टार्टेड टू तो बिल्ड मोर एंड मोर कंस्ट्रक्टिव वर्क सो ले स्टार्ट विद द सांची स्तूपा सो दिस इज द फोटो ऑफ सांची स्तूपा यू कैन सी इट प्रॉपरली आप फिजिकली uh, भी यहाँ पर जाके आप ये देख सकते हो तो द सांची स्तूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग मॉर यर पीरियड इट इज़ सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ साँची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स जो ओरिजिनल स्तूपा स्तूप है ये सांची का वो ब्रिक्स से बना हुआ है इट वॉज़ हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा दिस बुद्धि स्तूपा इज प्रेसियस स्पीसीमैन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर अब आप इसको ध्यान से देखें तो सोचिए कि कोई भी मशीनरी इसके पीछे यूज नहीं हुई ये पूरा हाथ से बना हुआ है अब जो ये स्तूपा होता है वो किस फॉर्म में होता है कि एक होता है उसमें हर्मिका जो द रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवेल सेप्ट स्तूपा इस कॉल हर्मिका ये जो रेलिंग है आप इसको हर्मिका बोलेंगे then after uh, another part of stupa is medhi uh, elevated circular path around stupa is known as medhi which is used for pradakshina तो इसके अंदर आप जब एंट्रस करोगे और जो रास्ता आपको मिलेगा वो medhi है जहाँ pe चल के आप पूरा गोल घूम सकते हो फिर उसके बाद है प्रदक्षिणा पथ तो ये जो रास्ते पे आप चलोगे उसको प्रदक्षिणा पथ बोलेंगे A slightly elevated circular path around the temple or place of worship is called pradakshina path. Pradakshina is done in such a way that place of worship is always to the right side. तो ये आपको यहाँ से right direction से ऐसे पूरा गोल उसको चक्कर मारना है. तो ये आपका एक pradakshina complete हुआ ऐसा बोला जाता है. And last in toran. तो ये जो आप entrance देख रहे हैं ये वाला. तो ये toran होता है उसका. तोरण मीन्स अ गेट वे दैट इज़ बिल्ट ऑन टू हाई पिलर्स विथ आर्टिस्टिक हॉरिजोंटल बीम ऑन इट द डिवोट इज़ यूज दिस तोरण एज एन एंट्रेंस तो ये है तोरण तो so, ये है स्तूपा ऑफ सांची अब इसके बाद हमें बात करनी है पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में तो अशोक के टाइम पे ऐसे बहुत सारे पिलर्स के ऊपर काव करके मैसेजेस छोड़े गए थे जो आज की डेट में भी अवेलेबल है आप ये फोटोग्राफ्स में देख सकते हो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है ये है पिलर इंस्क्रिप्शन जो पिलर के ऊपर लिखा गया है वो पिलर इंस्क्रिप्शन स्टोन इंस्क्रिप्शन वेर मेड फ्रॉम सिंगल रॉक स्टोन इंस्क्रिप्शन काव्ड आउट बाई द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्पर अशोक आर द बेस्ट स्पेसीमैन ऑफ एनग्रेविंग ऑन स्टोन दे वेर पॉलिश सो वेल दैट दे ग्लैम्ड सच पिलर वेयर इलेक्टेड इन अम्बाला मीरूत अलाहाबाद सारनाथ लोरिया नियर नंदगढ़ सांची काशी पटना एंड बुद्धि वृक्ष नियर बुद्ध गया देवेर काव्ड इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट तो इसके ऊपर जो लैंग्वेज है ये ब्रह्मी लैंग्वेज है और ये देखिए इसको पॉलिश किया गया इसलिए ये इतना साइनिंग कर रहा है और मेन बात यह है कि कोई भी मशीन के बिना ये सब इसके ऊपर काउड हुआ है सो दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ दिस पिलर इंस्क्रिप्शन नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ दैट टाइम इज़ पिलर एट सारनाथ तो ये पिलर है सारनाथ का ये फोर लाइंस का जो स्टेच्यू है ये हमारा नेशनल एम्ब्लम भी है जो आपको हर कॉरेंसी नोट के ऊपर दिखेगा ये है अशोक चक्र यहाँ पे सब एनिमल्स हैं आप अगर इसको ध्यान से जूम करके देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा सो द स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ कल्चर पिलर हैज़ फोर लाइन्स फेसिंग फोर डिरेक्शन बट एक लाइन ऑलवेज पीछे होता है ये सर्कुलर स्टेट में है इसलिए आप फोर लाइन्स को एक साथ में नहीं देख सकते हो कोई भी तीन दिखेंगे और पीछे वाला नहीं दिखेगा अगर आप पीछे जाएंगे तो आगे वाला नहीं दिखेगा यहाँ से देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा और यहाँ से देखेंगे तो ये साइड वाला नहीं दिखेगा इसलिए यहाँ पे थ्री लाइंस हमको दिखाई देते हैं पर एक्चुअली है फोर ये एक मैसेज है डेट सम्राट अशोक वाचिंग ऑल द डिरेक्शन इन अ कॉमन वे सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा आ, धर्मचक्र काव बिलो द लाइन इमेजेस ये है धर्मचक्र जिसको बाद में अशोक चक्र नाम दिया गया डेट इज़ वाई इट इज कॉल्ड सॉरी धर्मचक्र काव बिलो द लाइन इमेजेस दिस चक्र इंडिकेट्स क्रंप ऑफ रिलीजियन इसके अंदर ट्वेंटी फोर एरोज है uh, नहीं फिफ्टी टू आई थिंक सो एरोज है जो 52 वीक्स ऑफ द ईयर इंडिकेट करते हैं दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड धर्म चक्र अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज कल्चर ऑफ एलिफेंट हॉर्स एंड बुलॉक दिस चक्र हैज़ बीन प्लेस इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया तो ये हमारे नेशनल फ्लैग में भी है इमेजेस ऑफ फोर लाइन्स हैव बीन प्लेस्ड एज अवर नेशनल एम्बलेम दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पीसीमैन ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड बिकॉज दिस वॉज मेड विदाउट यूजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ मशीन्स एंड दैट मेक्स द ब्यूटी ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टोन कार्विंग अब हमें बात करनी है स्टोन इंस्क्रिप्शन की कि अशोक के टाइम अशो पे कौन से स्टोन इंस्क्रिप्शन हुए थे तो ये सब स्टोन इंस्क्रिप्शन है आप ये फोटो देख सकते हैं उसके ऊपर ये ऐसे ब्राह्मी लिपि में सब लिखा हुआ है तो स्टोन इंस्क्रिप्शन carved by religious order of emperor ashoka the best specimens of engraving on stone wooden art stone sculpture uh, sculpting show an excellent specimen of art of architecture along with erections of pillars of wood and stone beautiful arcs are engraved on the door which uh, stress religious behavior such stone inscriptions have been found from पेशावर देहरादून थाने मुंबई धौली जोगाडा उड़ीसा एंड चेन्नई एक्सेट्रा सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द फूट हिल ऑफ़ गिरनार माउंटेन ऑन द वे ऑफ जूनागढ़ इन गुजरात तो गुजरात में जब आप जूनागढ़ ट्रैवलिंग करते हो बीच में एक माउंटेन आता है गिरनार माउंटेन वहाँ से भी ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं अदर देन दिस पालीताना जैन टेम्पल्स ऑन शत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात जैन टेम्पल ऑफ हाथी सिंह इन अहमदाबाद आर सच स्टोन इंस्क्रिप्शन्स विच प्रोवाइड कम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज तो ये सब जगह पे ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं और इसके ऊपर बहुत सारे मैसेज हैं वो वो जब टाइम में क्या होता था उनके एथिक्स क्या थे मोरल्स क्या थे और किस हिसाब से वो लाइफ को इम्पोर्टेंस देते रहे ये सब इसके ऊपर लिखा हुआ है और स्टोन के ऊपर इसलिए ये सब कार्विंग uh, कराते थे बिकॉज ये डैमेज नहीं होता था अर्लियर टाइम पे uh, ताड़ पत्र और भोज पत्र के ऊपर ऐसा मैसेजेस uh, हमारे लिए छोड़े जाते थे कि नेक्स्ट जनरेशन को पता चले जैसे आज हम कंप्यूटर में सब स्टोर करते हैं वैसे पर ताड़पत्र और भोजपत्र बेसिकली डैमेज बहुत जल्दी हो जाते थे इंसेक्ट उसको खा जाते थे और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे जबकि स्टोन के ऊपर जो लिखा होता है वो लॉन्ग टर्म रहता है और इसीलिए अशोक के टाइम में ऐसे बहुत सारे स्टोन इंस्क्रिप्शन क्रिएट किए गए अब इसके बाद हमें बात करनी है रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट ऑफ साउथ इंडिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब अलग अलग टेम्पल्स हैं ये जो उसका विमान है ये ये इसकी साउथ इंडिया के टेम्पल्स की खास बात है वो बहुत हाइट बहुत होती थी अगर आप तिरुपति जाओगे तो वहाँ का भी जो टेम्पल है वो बहुत बड़ा है और ये स्तूपा है ऑफ नागार्जुना कोंडा का तो मैनी बुद्धिस्ट स्तूपाज वे बिल्ट इन द रिजन नियर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर ड्यूरिंग द रीन ऑफ सातवाहाना किंग्स तो ये सातवाहाना किंग्स की स्टोरी आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगी आप उसको पढ़ सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूलर्स थे ये देवेयर ऑफ सेमी सर्कल ओवल एंड बेल सेप्ट स्तूपा इन नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट पिसमैन ऑफ द्रविड स्टाइल ऑफ आर्ट तो ये एक नागार्जुना कोंडा जो वहाँ के जो स्तूपा होते थे साउथ इंडिया के वो ऐसे बनते थे जिसका फोटो है जो टेक्स्टबुक में नहीं है चोला किंग एडोप्टेड द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू द ग्रेट एक्सटेंट फिर चोला जो सात वाहना किंग के बाद जो चोला डायनेस्टी आई उन्होंने भी यही फॉर्म आर्किटेक्चर का एक्सटेंड किया था अब गुप्ता पीरियड की बात करते हैं गुप्ता पीरियड इज़ वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन एंशियन टाइम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर स्कल्पचर पेंटिंग डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लोराइज पार्वती टेम्पल ये सब अलग अलग टेम्पल्स के जो नाम है उसमें से कुछ आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे Uh, Parvati Temple of Jabalpur, uh, Bhumara, Shiv Temple in Nagoda, Ernst Narsi Temple in Madhya Pradesh, uh, Gop Mandir at Jamnagar, stupas, chaityas, moths, viharas, flags and pillars are the unique example of Gupta art. Gupta period is known as the golden period of art. बुद्धा स्टैचू एट सारनाथ स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा स्टेचू ऑफ महावीर स्वामी केव्स ऑफ उदयगिरी एंड स्टेचू ऑफ़ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वरहा एक्सेट्रा आर द बेस्ट पिशमैंस ऑफ स्कल्पचर ऑफ गुप्त पीरियड तो ये विष्णु भगवान के जो वरहा अवतार का जो पोज है वो एक्चुअली में सिक्स हंड्रेड सेंचुरी में साउथ इंडिया में जब पुली के सी सोलंकी डायनेस्टीज रूल करती थी वो अपने फ्लैग के ऊपर भी इसको यूज़ करते थे तो गुप्ता पीरियड इज़ नॉन एज द गोल्डन पीरियड वो टाइम पे बहुत सारा इन्वेंशन हुआ हमारे कैलेंडर्स बने और बहुत सारा आर्किटेक्चर भी इंडिया में हुआ जो आई थिंक आप ए स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा ही होगा अब हम देखते केव आर्किटेक्चर हमारे यहाँ केव आर्किटेक्चर कैसा के था तो ये सब केव्स हैं ये कैलाश टेम्पल है एलोरा का ये एलिफेंटा केव है ये अजंता केव है तो केव आर्किटेक्चर इज़ कंसिडर्ड एज़ मैनमेड प्लेस ऑफ़ ब्यूटी केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा एट औरंगाबाद एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर भुवनेश्वरी नियर उड़ीसा खंडगिरी एंड नीलगिरी आर द फेमस स्पेसिमेंट्स ऑफ केव्स आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड खंबालडिया Uh, gondal in gujarat dhak in rajkot three caves of Junagar, talaja sana etc caves are also found the cave inscription of Asoka have been carved on the walls of three caves of barbar mountain 16 km away from gaya this describes works of charity done by ashoka caves of assam and darjeeling सुदामा केव ऑफ बिहार एंड केव ऑफ सीता आर द वेल नोन केव्स आर्किटेक्चर तो अजंता एलोरा की जो केव्स है उसके बारे में हम आगे सिक्स चैप्टर का जब वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे पर ये जितने भी प्लेसेस हैं आप नेट के ऊपर उसको सर्च कर सकते हो फोटोज़ देख सकते हो अब यहाँ पे जो गुजरात की जो केव्स की बात की है उसके बारे में हम बात करते हैं तो पहले जूनागढ़ की केव्स की बात करते हैं देर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ केव्स इन जूनागढ़ तो ऐसे तीन अलग अलग फॉर्म में जूनागढ़ की केव थी फर्स्ट जो ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ बाबा प्यारा केव्स दिस केव इज सिचुएटेड नियर बाबा प्यारा मठ दे आर इन थ्री लेयर इंटरसेक्टिंग इच अदर एट राइट एंगल देर आर टोटल सिक्सटीन केव्स आउट ऑफ दैम फोर आर इन फर्स्ट लाइन सेवन इन सेकंड लाइन एंड फाइव इन थर्ड लाइन तो ये जो फॉर्मेशन है वो अजंता एलोरा के उसमें भी सेम टू सेम आपको मिलेगा प्रोबेबली दे वेर काव ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी ए डी फिर सेकंड जो ग्रुप है दे आर डबल स्टोर्ड यानी दो फ्लोर की जो होती थी वो वैसी होती थी इस तरह की ये फर्स्ट वाली जो है शायद वैसी है आ,

इट माइट हैव बीन काउ्ड इन दर्ड सेंचुरी देर आर 20 पिलर एंड दे आर इन रूइंस नाव तो उसके अंदर ऐसे ट्वेंटी पिलर्स होते थे और अब ये जब इतना पुराना है सेवनटीन हंड्रेड या एटीन हंड्रेड ईयर्स ओल्ड तो अभी ये पूरा डैमेज होने आया है इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ एंशियन मोनूमेंट्स दिस शोज़ अवर इंटेलिजेंसी एंड अवर कल्चर अब जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं केव्स ऑफ खम्बालीडा इट इज़ डिस्कवर्ड इन 1959 फिफ्टी एडी दे आर सिचुएटेड एट खम्बालीडा नियर गोंडल 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट थ्री ऑफ देम आर रिमार्केबल चैत्य गुरु चैत्य ग्रु स्तूपा इज सिचुएटेड इन द मिडल केव

और ट्री के सपोर्ट से वो हमें यहाँ पे दिख सकता है आप जूम करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा और ये थर्ड सेंचुरी में बना था अब तलाजा केव की बात करते हैं तो तलाजा केव में ये है सब तलाजा केव्स और बाकी जितने भी केवज़ हैं उनके सबके फ़ोटो यहाँ पे ही हैं तो माउंटेन ऑफ तलाचा इज़ सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शत्रुंजी रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट इट इज फेमस एज पिलिग्रीम ऑफ तलाड़ गिरी और तालाध्वज गिरी तालाध्वज गिरी थर्टी केव्स हैव बीन काउड फ्रॉम स्टोन विथ यूज गेट्स इभाल मंडप सभाखंड एंड चैत्य गुरु आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर तो ये जो केवज़ आप देख रहे हो ये सब तलाजा केव है ये तीनों तीन जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो इसमें थर्टी केवज थी अलग अलग और बहुत सारे रूम्स भी थे जैसे चैत्य गुरु और सभा मंडप एग्जांपल ऑफ स्कल्पचर एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग टू द थर्ड सेंचुरी तो ये जो तलाजा केव वाला है वो थर्ड सेंचुरी में बना था उसके बाद ये सना केव है आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस ग्रुप ऑफ केव इज़ सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ सना माउंटेन इन वानिकिया विलेज ऊना तालुका इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट दिस केव्स आर स्प्रेड ऑन सना माउंटेन लाइक बी ह्यू तो आपको ये दिखेगा बी ह्यू जैसा उसके बाद है धार uh, केव्स ये वाला ये ढाक के उसके सब फ़ोटो है ये भी ये भी ये भी धाक uh, गिरी इज सिचुएटेड इन ढाक विलेज ऑफ उपलेटा तालुका एट राजकोट डिस्ट्रिक्ट इट इज़ कंसिडर्ड दैट दे माइट हैव बीन बिल्ट इन द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ सेंचुरी ये फोर्थ सेंचुरी में बना था फिर जो के केव है वो है जर के उस ये झंझुरिज के का फोटो है दे आर मैनी बुद्धिस्ट केव्स

इन uh, लखपत तालुका ऑफ कच्च देर आर टू केव्स दीज आर डिस्कवर्ड बाई के के शास्त्री इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन और जो दूसरी केव्स uh, है uh, कालिया डूंगर की जो यहाँ भरूच के पास है ये वो फोटो है देर आर थ्री केव्स इन कालिया डूंगर एट झगड़िया uh, तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट दीज आर द बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर स्पिशमैन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियन आर्किटेक्चर ऑफ दिस केवज इज़ मार्लस एंड एलेवन फिट हाइट स्टेच्यू ऑफ अ लायन विथ टू बॉडीज एंड वन माउथ इन द फॉर्म ऑफ पिलर हैज़ बीन विच इन अ सिंगल रॉक तो ये पूरा सिंगल रॉक से बना हुआ है जो आप देख सकते हैं आप फिजिकली वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं तो ये प्रूफ करता है कि हमारे यहाँ कितना टैलेंट था और किस हिसाब से हमारे यहाँ इवन गुजरात में भी इतनी सारी केव्स हैं जो गुजराती लोग हैं वो ये सब प्लेस पे जाके इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं अब इसके बाद जो हमें बात करनी है वो है चैरियत टेम्पल्स के बारे में तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं चैरियत टेम्पल के बारे में आप देखिए जो पूरा चैरियत जैसा दिखता है यूनिक फीचर ऑफ़ पल्लव एज कैन बी सीन इन द फेमस चैरियत टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया विच इज़ काव आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक तो ये जो है वो सिंगल रॉक में से बना हुआ है तो ये हमें टैलेंट हमारा दिखाता है कि एक रॉक के अंदर हम इतना आर्ट भी देख सकते थे पहले के ज़माने में कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड टेम्पल ऑफ़ वैकुंठा पेरुमाला आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट अपार्ट फ्रॉम अबाउ मंडपाज एट महाबलीपुरम एंड चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस ईच वन of them is rock cut temple. दिस चैरियट are named after the name of Pandavas. chariot temple of Dharmaraj is the biggest one वेयर the chariot temple of ऑफ़ uh, द्रौपदी is the smallest. तो ये सब साउथ इंडिया में आप वहाँ जाके ये सब देख सकते हो अब जो temple आर्किटेक्चर के बारे में हमें बात करनी है वो भी हम ये करेंगे पर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जितने भी temples हैं जो भी स्टोन में से बने हैं वो सब हैमर और चिज़ल से बने हुए हैं और कोई भी इसके पीछे मॉडर्न मशीनरी यूज़ नहीं हुई है और मेन सोचने वाली बात है कि वो टाइम पे इतना टैलेंट यानी अगर आप ये व्हील को ही आप अगर देखो तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर सिंपल ऐसा नहीं है कि स्टोन को कट करके व्हील बना दिया उसके ऊपर और सारी डिज़ाइंस है छोटी से छोटी डिज़ाइंस आप इसके अंदर देख सकते हो आप ये जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से ये पिक्चर जो है आप नेट के ऊपर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि किस हिसाब से इन्होंने वो टाइम पे ये इतना हार्ड वर्क किया होगा और सोचने वाली बात ये है कि इसके पीछे कितना एक्सपेंस हुआ होगा और कितना टाइम स्पेंड हुआ होगा और इतने सारे स्टोन्स ढूंढना और फिर वो जगह पे रहने के लिए जो लेबर्स थे उनके लिए रहने के लिए प्लेसेस बनाना उनके फूड और एकमेंडेशन Uh, की तैयारी करना तो कितना एक्सपेंस होता होगा और इतना सब होने के बाद हमारे सामने रिजल्ट है ऐसा नहीं है कि वो जो एक्सपेंस हुआ वो वेस्ट हो गया दिज आर द यूनिक स्पेसिमेंट्स ऑफ अवर इंडियन कल्चर और पूरी दुनिया से कितने लोग ये सब देखने के लिए आते हैं हमें भले इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं पर पूरे वर्ल्ड में जो एक्चुअली में जो लवर्स है आर्ट के वो ये सब देखने के लिए क्रेजी होते हैं मिलियंस ऑफ रुपीस एक्सपेंस करके वो इंडिया में आते हैं बेसिकली दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर इकोनॉमी अगर ऐसे प्लेसेस को हम आ, प्रिजर्व करेंगे इसकी इसकी देखभाल करेंगे तो इससे हमारी कंट्री में ही ज़्यादा पैसा आएगा एंड दैट इज़ द मेन थिंग टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज because दिज आर नॉट ओनली द थिंग्स ऑफ अवर एंड सेक्टर बट दिस still इन प्रेजेंट टाइम produce मनी फॉर us तो so, ये भी एक हमारा फाइनेंशियल मोटो इसके पीछे होना चाहिए कि हमें इन्हें क्यों बचाना है इन्हें क्यों क्लीन रखना है क्यों डैमेज नहीं करना है ओके okay, तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और सन टेम्पल मोडेरा और सन टेम्पल ऑफ कोनार के बारे में बात करेंगे और आर्किटेक्चर ऑफ़ गुजरात के बारे में भी बात करेंगे तो आई mm. होप तो, mm. कि यहाँ तक आपको सब वीडियो में जो भी डिस्कशन हुआ वो समझ में आ गया होगा ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा यू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल टेल टू योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड प्रेस द बेल आइकन टिल देन स्टे होम स्टे सेफ गॉड ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच